जय माता दी। दोस्तों, मन की आवाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आए हैं। सप्ताह के किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है? सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन होता है, ये उनके लिए समर्पित है। सोमवार का स्वामी चंद्र होता है, जो कि शीतलता का प्रतीक है। तो इस दिन हमें सफेद, क्रीम, हल्के गुलाबी आदि कपड़े पहनने चाहिए। इससे शिव भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान बाबा को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन केसरिया, नारंगी, लाल आदि कपड़े पहने जा सकते हैं। इससे हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, कार्यक्षमता बढ़ती है और उत्साह भी बढ़ता है। बुधवार को गणेश जी का दिन कहा जाता है, तो गणेश जी को हरे रंग की धुआ बहुत प्रिय होती है, इसलिए हमको इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसे पहनने से बुध संबंधी समस्याएं नहीं होंगी और गणपति जी की हम पर विशेष कृपा बनी रहेगी। विष्णु भगवान को बृहस्पतिवार का दिन समर्पित होता है। इस दिन पीला रंग, सुनहरा रंग या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर होती है और विष्णु भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। शुक्रवार का दिन देवी माँ को समर्पित होता है। ये वैभव लक्ष्मी माता का दिन भी कहा जाता है। माता रानी को लाल रंग पसंद होता है, इसलिए हमें लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शनिवार का दिन कर्म फल दाता शनि देव को समर्पित होता है, इसलिए हमें शनिवार के दिन काला, गहरा भूरा, जामुनी, बैंगनी, गहरा नीला मतलब गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे हमारे ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहती है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन कहा जाता है, ये सूर्य देव के लिए समर्पित होता है। इस दिन लाल, नारंगी, केसरिया और सुनहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे हमारे तेज में वृद्धि होती है, उत्साह में वृद्धि होती है और कार्य क्षमता बढ़ती है। जय माता दी। दोस्तों।